केंद्र की मोदी सरकार जहां प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के माध्यम से किसानों को रासायनिक खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का संदेश दे रही है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कई किसान ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक खेती को अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं बिलासपुर के नियो गांव के रहने वाले अजय रतन ने देसी गाय के मलमूत्र व गोबर से जीवा अमृत पर घना अमृत बनाकर इसका इस्तेमाल मशरूम की पैदावार के लिए कर रहे हैं, जिससे न केवल मशरूम की उपज बढ़ी है बल्कि बाजार में भी डिमांड भी ज्यादा हो गई है। केंद्र की मोदी सरकार जहां प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के माध्यम से किसानों को रासायनिक खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी कई किसान ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक खेती को अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वहीं बिलासपुर के नियो गांव के रहने वाले अजय रतन ने भी देसी गाय के मलमूत्र व गोबर से जीवा अमृत व घना अमृत बनाकर इसका इस्तेमाल मशरूम की पैदावार के लिए कर रहे हैं, जिससे न केवल मशरूम की उपज बढ़ी है बल्कि बाजार में डिमांड भी ज्यादा है। बिलासपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव नियो के रहने वाले अजय रतन ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर एक सीमेंट कंपनी में 12 सालों तक बतौर असिस्टेंट इंजीनियर काम किया, मगर उनका जुड़ाव मिट्टी से था, जिसके चलते उन्होंने अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ प्राकृतिक खेती की ओर रुख किया और प्राकृतिक खेती को अपनाकर मशरूम की खेती करने लगे। आज अजय रतन ने अपने घर पर ही मशरूम की खेती शुरू कर दी है और लगभग 400 पैकेट में मशरूम की पैदावार कर रहे हैं। वहीं मशरूम की खेती के संबंध में जानकारी देते हुए अजय रतन ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र बंटी में उन्होंने मशरूम की खेती के संबंध में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसके बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती शुरू की है। वहीं मशरूम की खेती के लिए रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं बल्कि देसी गाय के गोबर व मलमूत्र से बनाए गए जीवा अमृत व घना अमृत सहित नारियल का बुरादा और फंगस को खत्म करने के लिए खट्टी लस्सी के साथ ब्रह्मास्त्र व अग्निशत्र का इस्तेमाल करते हैं, जिससे रासायनिक खाद व पदार्थों के इस्तेमाल से होने वाली बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है, जबकि मशरूम की ज्यादा डिमांड होने से उन्हें मुनाफा भी ज्यादा हो रहा है। केंद्र सरकार के प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के सपने को साकार करने के लिए अजय रतन न केवल खुद प्राकृतिक खेती करते हैं बल्कि किसानों को भी जागरूक करने का काम कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती के जरिए मशरूम की बेहतरीन पैदावार के लिए अजय रतन ने आसपास के गांव के कई किसानों को प्रशिक्षित किया है, ताकि प्राकृतिक खेती को अपनाकर किसान अपनी आय को बढ़ा सके और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके। इसके लिए प्रशिक्षण जो है वो केवी की भट्टी में 6 दिन का प्राप्त किया, उसमें डॉक्टर सुमन जी हमारे वहाँ जो इंचार्ज थे उन्होंने हमें इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करवाया। फिर मैंने आते ही घर में इस सिस्टम को अपनाना शुरू किया मशरूम के, फिर मैंने इसमें कार्य किया और इसमें आज जो है मैं सारा अपना घनामृत और जीवामृत और अपनी ब्रह्मास्त्र अग्निअस्त्र और फफूंदनाशकी के लिए जो है मैं खट्टी लस्सी का प्रयोग कर रहा हूँ और खाद जो है इसकी जो हम केसिंग के लिए तैयार करते हैं वो भी मैं कोकपीट की तैयार कर रहा हूँ और आज जो है मेरे को इसके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं और मार्केट में भी जो है अगर दूसरे जो रासायनिक मशरूम हैं वो 30 रुपए का पैकेट दे रहे हैं तो मैं इसको 25 रुपए में ही दे रहा हूँ, परंतु फिर भी मेरे को इसके बहुत ही अच्छे प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है और डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। मेरे घर से ही मशरूम जा रहा है और मैं से हमें जो है प्रशिक्षण मिल रहा है कि जहर मुक्त खेती करें। ये जगह जगह पर हर गांव में जाते हैं और लोगों को नौजवानों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और एक समाज सेवा का एक जज्बा जो है अजय रतन जी में देखने को मिलता है। उनसे हमें सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि इस तरह की खेती को अपनाएं और जहर मुक्त खेती अपनाएं और रासायनिक खादों का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छी होगी और उज्जवल भविष्य के लिए भी अच्छा होगा। धन्यवाद। इसमें ये ब्लड प्रेशर के लिए और डायबिटीज के लिए भी इसका मतलब एक औषधि के रूप में प्रयोग होता है। ये जो मशरूम अजय रतन तैयार कर रहा है ये मशरूम जो है इसमें जो नारियल के बुरादे के बीच में तैयार कर रहा है, किसी प्रकार का कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मनुष्य के लिए हानिकारक हो। हम सब इसे अपना रहे हैं और दूसरे लोग भी इसको ले जा रहे हैं अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए।
और मैं सभी किसानों से ये अपील करता हूँ कि वो सब इसको अपनाएं, तभी किसान जो है अपनी आमदनी से लाभ भी बहुत है, वो अपनी आमदनी भी दुगनी कर। अपने न्यू में भी प्रशिक्षण लिया और मशरूम की खेती का ही देखा कैसे मशरूम पैदा कर रहे हैं, और हमने भी अपने घर में यहाँ से लेके अपने घर में इलाके में भी सभी अपने परिवार में इसी मशरूम को यहाँ से लेके अपने परिवार को खाने के लिए, जगह प्राकृतिक खेती, जैविक खाद, और घर में इन्होंने अपने घर में गऊ रख के गोबर भी बेच रहे हैं और गूंत भी बेच रहे हैं। इन्होंने भी अपना रोजगार चलाया हुआ है इस बेटे ने, इस अजय रतन ने, और हम यहाँ से भी मशरूम क्या सब्जियां भी इसी घर से ले जाते हैं और अपने बच्चों को और अपने आस पड़ोस को भी, और सस्ते दाम से दे। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।